31 अगस्त को जन्माष्टमी है। इस दिन लोग न केवल भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं बल्कि घर में झांकियां सजाते हैं और आरती गाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण की प्रिय चीजें लाने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसे ही तमाम लाभ के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि पूजन तो हम हर साल करते हैं, सब जरूरी चीजें चढ़ाते भी हैं, तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो अभी तक आपने नहीं चढ़ाई है? कहीं ये बहुत महंगी तो नहीं होगी या इसे मिलने में दिक्कत तो नहीं होगी? तो हम आपको बता दें, ये बहुत ही सामान्य चीजें हैं जो सस्ते दामों में आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएंगी और इन्हें चढ़ाकर आप अपनी तमाम समस्याएं दूर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, करियर। आजकल लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या करियर को लेकर होती है। अगर आपके करियर में तरक्की नहीं हो रही है तो जन्माष्टमी के दिन घर पर बांसुरी लाएं, इसे भगवान कृष्ण को अर्पित कर दें। दूसरे दिन घर में पूर्व दिशा में दीवार पर तिरछी लगा दें। जी हाँ, बांसुरी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय थी, वह हमेशा इसे साथ रखते थे। बांसुरी का वास्तु के अनुसार भी बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। तो इस जन्माष्टमी पर बांसुरी लाएं और करियर की समस्या से निजात पाएं। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि ऐसी मान्यता है, जिस घर में लकड़ी की बांसुरी होती है वहाँ धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। लकड़ी की बांसुरी वास्तुशास्त्र के हिसाब से विशेष रूप से शुभ होती है। वहीं कार्यालय या दुकान के मुख्य द्वार पर दो बांसुरी लगाने से व्यापार में प्रगति होती है। तो ध्यान रखें, जन्माष्टमी पर नई बांसुरी खरीदकर सुंदर से सजाकर श्री कृष्ण के समक्ष पूजा में रख दें। बांसुरी का महत्व यही नहीं खत्म होता। घर में कलह हो तो चांदी की या बांस की बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें, बाद में ड्राइंग रूम में लगा दें। ऐसा करने से आपके घर में कलह खत्म होगी, लोगों में प्रेम बढ़ेगा। दरअसल बांसुरी सकारात्मक ऊर्जा को घर में लाती है। जब नकारात्मक ऊर्जा घर से खत्म होगी और सकारात्मक ऊर्जा आएगी तो मन से झगड़े भी खत्म होने लगेंगे। इसके अलावा एक और बहुत खास सामान है जिसे घर पर लाकर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पा सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन गाय और बछड़े की मूर्ति खरीदकर घर पर लाने और पूजन के बाद उसे घर में रखने से बरकत मिलती है। ध्यान रखें, गाय भी भगवान कृष्ण को अति प्रिय थी। वहीं एक और खास चीज है जो आपको जन्माष्टमी पर लानी चाहिए, ये है मोर पंख। घर में मोर पंख लगे होने से तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। भगवान कृष्ण भी अपने बालों में मोर पंख सजा कर रखते थे, उनका एक नाम मोर मुकुटधारी भी है। इन उपायों के अलावा जन्माष्टमी के दिन श्रद्धा भक्ति से पूजन करें तो आपकी तमाम समस्याएं खत्म हो सकती हैं। यहाँ ये बता दें कि ये सभी उपाय विभिन्न ज्योतिषविदों, वास्तुविदों और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर बताए गए हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। हम आपकी पसंद के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। स्क्रीन पर जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।